पिंडमुपतिष्ठतु षष्ठमदिन सप्तमदिन अष्टमदिन पिंडमुपतिष्ठतु नवमदिन पिंडमुपति अञ्जनाभ्यं जनामुपतिष्ठतु अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः अक्षय्यपुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्ष प्रदो भव प्रेतमोक्ष प्रदो भव। अब हम सब मिलकर रघुनाथ के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान रघुनाथ के आत्मा को सब गुनाहों से मुक्ति दे। दादी पापा कैसे आदमी थे? नहीं बेटे, जन्म से ही बड़ा शरारती था वो। तू जानना चाहता है तेरा बाप क्या था? हाँ। उठ, नालायक, परीक्षा में दो दिन बाकी है और तू यहाँ गोटियाँ खेल रहा है? चल ऊपर, चल ऊपर। ए बोपो, पांच निकाल के रखिए, याद रखना, नहीं तो दूंगा एक। अरे तेरे ऊपर कुछ असर होता भी है या नहीं? तेरा बाप मिल में काम करके टीबी होके मर जाएगा और तू यहाँ गोटियाँ खेलते रहेगा। अरे तेरा छोटा भाई बीकॉम पास हो गया और तू इज्जत का पाला। देख देख देख, नालायक को कुछ शर्म है? अरे तू पढ़ाई छोड़ देना, क्यों मेरे पैसे बर्बाद कर रहा है? हाँ, दारू जैसे बहुत सस्ती है ना, मगर देख रघु, मैट्रिक तो कोई भी हालत में होना है। हाँ, ये मैट्रिक होने वाला है। अरे चार साल में आठवीं बार परीक्षा में बैठाइए। फिर बेस मजबूत कर रहा हूँ। रमनिकल, बड़ुए, ए देख मेरा बाप मारता है मेरे को। ए रमनिकल, ये रे, तू उसको गाली क्यों दे रहा है? मारने का नहीं है बाबा, तेरे से तो मैं पक गया। अरे तू इतना बड़ा ग्रेजुएट हुआ, इस गधे को कुछ सिखाता क्यों नहीं? बाबा मैं इसको सिखाने जाऊंगा ना तो जो कुछ मैं सिखाऊं सब कुछ भूल जाऊंगा। पर बाबा ये दूसरी तक तो पहुंच गया। फिर हर क्लास में एक एक दो दो साल रुक रुक के। ये बाबा समझा दे इसको, एक बार मैट्रिक में पास हो गया ना तो बारहवीं में डायरेक्ट 90% और फिर डायरेक्ट डॉक्टर। 70 और 9, 70 और 10 कितना वाले? 80। ये बाबा 80, दारू छोड़ के पी ले लस्सी। ए रमनिकल, ये रे, अरे चुप, अरे चुप ना मेरे बाप। नमस्ते पापा। अरे पूजा बेटे, अरे वाह 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 वाह। अरे पूजा डार्लिंग, तू इडली लाई? अरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वाह, अरे पूरे उड्डी पी में ऐसी इडली कोई नहीं बना सकता। आयो, देख देख खाओ रे, कैसे अकेले अकेले खा रहा है बेशरम। हे माँ, कह दिया बाबा से मेरा शर्म नहीं निकालने का है, खुद के लहंगे का नाड़ा निकलेगा उसका क्या। शांता, अब इस लड़के का क्या करेंगे? अचार डालेंगे, रख उधर। और तू क्यों खड़ी है? बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। नहीं माँ, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मुझे देर हो रही है, मैं फिर आऊंगी। हाँ हाँ, तू हमेशा जल्दी में ही होती है। थोड़ा सा खा ले, नहीं तो मेरा पेट दुखेगा। अरे अरे खाना, नाटक क्यों करता है? मैं भी जरा बाहर होके आता हूँ। अरे ये कहाँ गया? वो गया। यू कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक। पता नहीं हमारी शादी होगी भी या नहीं। क्यों नहीं होगी? हमारी शादी जरूर होगी, जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम दोनों अपना एक अलग घर बसाएंगे, सिर्फ तुम और मैं, इस माहौल से दूर। क्यों, क्या खराबी है इस माहौल में? ये माहौल हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। ए ए भाई को दिन 15 रुपया। प्लीज डार्लिंग, प्लीज। मर गई थी तेरी डार्लिंग। मैं चार घर के बर्तन मांज के पैसा कमाती हूँ, आधे से ज्यादा तू खर्चा करता है तेरी दारू के लिए। बट बिकॉज ऑलरेडी व्हाई यू, ए अंग्रेज मर गए तेरे को छोड़ गए मेरे को छलने के लिए। ए दे 15 रुपया, चुप, लास्ट कल से छोड़ दूंगा। हाँ। ये सुनते सुनते मैं तो बूढ़ी हो गई। ए बूढ़ी डालूंगा, दे 15 रुपया। अरे नहीं ये बोला ना, मेरे को मालूम है तेरे पास है। अरे छोड़ ना, क्या कर, नहीं छोड़ूंगा। ये बापू बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तक चुप बैठा था, अब बाप भी देखूंगा नहीं, सीधा हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। किसकी फसली तोड़ेगा रे तू? किसको बोला? अगर आई किसकी फसली तोड़ेगा तू? तेरे बाप की, जिसने तुझे जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा घोड़ा बनाया, उसकी तू फसली तोड़ेगा? हाँ, अरे उसकी मिल बंद पड़ गई करके वो बेकार है, लेकिन तू बेशरम, इतना बड़ा घोड़ा घर में बैठे बैठे फुकट के टुकड़े तोड़ता है। माँ चार घर के बर्तन मांजती है, बाप बेकारी से परेशान है, और तू घर में सोते सोते चूल्हे ऊपर उठा के बैठता है। नीच कहीं का, बाप की फसली तोड़ेगा, दांत तोड़ दूंगी तेरे।
जाऊ दे ना मावशी, कशाला मारता लेकराला? नाल्यात कुठले माला आले शिकवायला? ये रोता है क्यों रे बच्चे की तरह? किसने बोला था तेरे को बुड्ढा बुड्ढी के बीच में चोच मारने के लिए? वो बोलते वो भी ठीक है ना यार, साला इतना बड़ा हो गया, क्या देता हूँ घर पे कमा के? अरे ठीक है ना यार, आज अपना टाइम खराब है, लेकिन एक दिन हम सब दोस्त लोग हैं ना, लाइन पे लग जाएंगे। क्या मालूम हंसता क्यों मेरा? अरे हंसू नहीं तो क्या करूं? इधर आ, इधर आ, इधर आना। वो देख अरे ये किधर से आया? बुक का है वो, देखो देख, जा 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 रघु। करे रघु कुटे वो क्या शाम से ही पढ़ रहा है? हाँ क्या पढ़ रहा है? फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स का किताब हाथ में लेके फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है? कैरम खेल रहा था ना? हाँ हाँ, हाथ में पाउडर है अभी तक। चल चल लाट सा बोट, खाने पे बुलाया तुझे, जल्दी। खाली फुकट में टाइम पास करते रहते हैं मैथमेटिक्स। क्या विजय भाई? क्या है क्या है? कुछ नहीं, केले खाओगे? दे इधर। तुझे आइले ए, मेरे केले का है? तुम्हारे लिए लाया था, लेके गया। ये दूंगा ना, रख के। अबे सालो, पूछो ना सही हुआ क्या है? अला पूछा ही नहीं क्या हुआ? हाँ रे क्यों रे? अरे सालिया, सब इंस्पेक्टर की नौकरी लग गई रे। अरे भेंडी क्या बात कर रहा है? पार्टी 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 पार्टी। अबे चुप, अबे चुप। अरे अभी तो नौकरी लगी है, पार्टी कहाँ से, पैसे कहाँ है? मरो बुड्ढा अपनी जेब से पुटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। ये पैसे क्यों मांगते? अगले संडे गच्ची पे फुलटो क्या? तो है क्या? अरे तो तुम लोग ऊपर क्यों आए? अरे वो तेरे घर जाने वाला यार। अरे यार लग गई बिन पर। अरे तू चल ना यार नीचे रघु। हाँ यार तू। अरे तुम लोग जाओ, जो होगा देखा जाएगा। अरे सुन ले। अरे राम जाओ, अरे राम जाओ, अरे जल्दी नीचे आ जा, जल्दी नीचे आ जा, देख तेरे बेटे ने क्या किया, देख। लेकिन हुआ क्या? कौन बोला? कौन बोला? कौन है? कौन बोला दगड़ू बेटा? ए पागल, अरे तेरा बाप दगड़ू बेटा, तेरा पूरा खाता दगड़ू बेटा। अरे क्या तेरा भी कुत्ता बना दूंगा। मेरी कल दो मुर्गियां छुड़ाई, आज कहता हूँ मैं तेरे को, इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं, ये लोग मार डालेंगे मुझे एक दिन। आजा 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 नीचे आ, पहले जल्दी से आजा, नीचे आजा 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 आजा। अरे तुझे मुर्गियां खाई है ना, कम नहीं होगी तेरे को, याद रख। आजा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे चोर कहीं का, आजा, यही है, यही है वो, यही है वो सबका लीडर, बेकारों का बादशाह। तूने मेरी सारी मुर्गियां खाई है, याद रख, पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं तुम्हें। ए चुप रे ए तगड़ू, काई को सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है तू? सुना तूने चुराई इसकी मुर्गियां? हाँ कौन बोला ये बोल रहा है ना? अभी क्या प्रूफ है तेरे पास कि मैंने चुराई तेरी मुर्गियां? प्रूफ 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 है ना, ये देखो हड्डियाँ, ये मेरी मुर्गी की हड्डियाँ, रात को टेरेस पे पकाई ना मुर्गियाँ, मैंने लाई हड्डियाँ। हाँ तो हाँ पकाई मुर्गी, लेकिन क्या ये हड्डी पे नाम लिखेला है कि ये दगड़ू सावंत की मुर्गी तेरी? तो मारता है, कभी सुधरेगा? कभी सुधरेगा? सबके सामने मेरी नाक कटवाएगा? तू चल घर पे, बच्चे देख ले, जाने दो। तू चुप,
तू तो जाएगा, मेरी मुर्गियों का क्या, मेरा पैसा कौन देगा? चल चल ऊपर, तेरे कान के नीचे। क्या हुआ भाई साहब? अरे कुछ नहीं, बच्चे लोग का रोज का नाटक। ए पंडारी चल वर्दी, चल चल, ये तो मेलेंची कटकट है। तू जा जा, तेरे इस पर पढ़ाई कर रहा है नालायक। डॉक्टर बन, अरे अरे बन रहा है। अरे किताबें क्यों फाड़ रहे हो, किताबें क्यों फाड़ रहे हो? सरस्वती होती है वो। अरे सरस्वती हो या रद्दी, इस गधे को क्या फर्क पड़ता है? देखता देख, देखता है कैसा बेशरम। क्या किया मैंने? ऐसा नहीं किया मैंने, ऐसे मारूंगा ना तुझे। मारल पड़ गए, ये देख मारता है मेरे को। चुप भाई, चुप चुप। शांता, तेरे बेटे ने तो नाक में दम कर दिया है। देख रहे हो, इस घर में रहना है ना तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पढ़ाई छोड़, कम से कम कोई नौकरी तो ढूंढ ले। अरे हसू नहीं तो और क्या करूं? ये देखो बेटा है, बेकार बीकॉम करके मैं मैट्रिक करके क्या करूं? हाँ ए, मेरा नाम मत ले, पहले ही बोलता हूँ। क्या करेगा तू? हाँ ये क्यों ना रख के। ये देखो डर गया डर गया डर गया। रघु देख, रघु तू पढ़ाई लिखाई नौकरी छोड़ दे, कोई छोटा मोटा धंधा ही कर ले। अरे बोल ना। माँ आज क्या सुबह सुबह? ए चुप नालायक। नहीं नहीं बोल रहा हूँ, काम क्या करते हैं? फिटर, वो भी मिल में। और बात करते हैं धंधे की। ए बाबा, धंधा करने के लिए भांडवल चाहिए, भांडवल। अरे जब वो बोल रहे हैं मतलब उन्होंने कुछ सोचा होगा। अरे पर ये धंधा भी तो नहीं कर सकेगा ना। ए बाबा, 50 आइडिया है दिमाग में, 40,000 रुपए देता है क्या? क्या करेगा तू 40,000 रुपए में? पाव भाजी की गाड़ी डालूंगा। पाव भाजी की गाड़ी डालेगा? ए बाबा, पाव भाजी का धंधा कोई मामूली धंधा नहीं है। अरे वो लक्ष्मण की गाड़ी जाके देखो ना, तेल गली में 5,000 रुपए का गल्ला है रोज का। हाँ, और माल लेता है दादर से। अपुन है ना, अपुन माल उठाएगा बायकला से डायरेक्ट, नासिक से डायरेक्ट। 8 रुपए का बटाटा 4 रुपए में, 6 रुपए का कांदा 3 रुपए में, और वो लक्ष्मण है ना, 12 रुपए प्लेट बेचकर 4.5 रुपए कमाता है। अपन 10 रुपए प्लेट बेचकर 5 रुपए कमाएगा, वो 300 प्लेट बेचता है, अपन 200 प्लेट बेचेगा। बात तो सुन बाबा। अरे माँ बोलना। अरे चुप ना बाबा, चुप ना। नहीं देगा ना पैसे? देता हूँ ना, लेकिन देख रहा हूँ प्रोविडेंट फंड से कर्जा उठाकर दे रहा हूँ, बर्बाद नहीं करेगा। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। ले बापू धमाल, अरे अपने गोवा में ये बड़े बड़े आम। ए बापू ततर 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 ततर। ए रमिकल येरे, अरे इसे कहते बाप। ए तेर बुढ़िया, ए बापू, अरे तेरे को किधर का बापू। गए 40,000 रुपए पानी में। क्या बात है माँ? देखा, एक ही फटके में नारियल तोड़ डाला, अभी अपना धंधा झकास चलेगा। पाए लगो बाबा। हाँ हाँ, जीते रहो। छोटा कद और पेट बड़ा है, पैसे वाला सेठ खड़ा है। सेठ कितना प्लेट? मस्का मार के। छोटा कद और पेट बड़ा है, पैसे वाला सेठ खड़ा है। किसको है खाने का चस्का? हवा गरम है रघु मार दे मस्का। चल भिड़ चल मिले रकम बड़े, चल भिड़ चल मिले रकम बड़े। अरे अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी। लखपति और करोड़पति होंगे अपने नौकर, दुनिया के सारे बैंकों में होंगे अपने लॉकर। एक खजूर
बाप की गाड़ी समझा क्या? टसन क्यों देता है बे खटारे वाले? हम तो मर्सिडीज रखने वाले हैं। मुंह देखा क्या आईने में? अरे अटा सावन की घटा, ए भाऊ समझ जा, सुधर जा, पतली गली से निकल जा, चल चल चल। अरे ये बंगला कल अपना होगा, ये गाड़ी कल अपनी होगी, ये होटल कल अपना होगा, ये बाड़ी कल अपनी होगी। चल भिड़ चल मिली रकम बड़ी, चल भिड़ चल मिली रकम बड़ी, अरे अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी। को देंगी, देंगी मुश्किल में पड़ जाएंगी, साला दिल अपन का लेंगी, देंगी। अरे ओ शाने के ताने, मोर का नाच मुर्गी क्या जाने, चल बाजू हट देख, मैं जाता हूँ अभी। आए माइकल जैक्सन बन जाएंगे, डिस्को करके दिखलाएंगे, पिक्चर के गाने हम गाएंगे, फाइव स्टार में खाना चल खाएंगे। चल भिड़ चल मिली रकम बड़ी, चल भिड़ चल मिली रकम बड़ी, अरे अपनी तो निकल पड़ी, 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 अपनी तो निकल पड़ी। इसे क्या हो गया, ये भी फूट गया लगता है हमारे पुटेले नसीब जैसा। ए डार्लिंग, दिए ना 20 रुपया। जान ले ले मेरी और बदन बेच के पैसा ले ले तेरे दारू के लिए। ए प्लीज सिर्फ आज, फ्रॉम टुमारो दारू को राम राम। ए राम राम करते करते एक दिन हे राम हो जाएगा तुम्हारा। ए बट बिकॉज ऑलरेडी व्हाई यू जाए तुमसे इंग्लिश। ए क्यों बुड्ढी, क्या कर रही है? नाच रही हूँ, अंधा हो गया क्या, दिखता नहीं? फुटेले स्टोव को जलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फेंक देना उसको। फेंक देना तो खाएगा क्या पत्थर? ये पत्थर ना माँ, आज से इस घर में फर्स्ट क्लास खाना बनेगा। फर्स्ट क्लास खाना बनेगा? तेरे माँ को क्या सोने की खान मिल गई है बर्तन मांजते मांजते? अरे खान छोड़, ये ले पैसे, कल से दूसरे के घर में काम करना बंद। हाँ कल से अपने बुढ़ी है ना घर में आराम करेगी। अरे तेरा ये घोड़ा है ना, ये खुद कमा के लाएगा। हाँ। क्यों बुढ़े, दारू पिएगा? तेरे लिए लाया हूं, आज से रोज दारू पिलाऊंगा, लेकिन आज के बाद मेरी बुढ़ी को इतना भी तकलीफ मत देना, समझा? ₹4,550, ₹4,600, ₹4,610, ₹6,20, ₹6,30। अरे रघु काफी पैसे मिले रे। हे बाबा ये तो शुरुआत है, शुरुआत है बाबा। हाँ वो जो लक्ष्मण है ना, हाँ? उसकी तो फटी गई। सॉरी 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 बाबा, ये जो तेरा कर्जा है ना, हाँ? तू देख यूं साफ कर दूंगा यूं। आखिर नारियल किसने तोड़ा था? ये जो अपनी माँ है ना, डार्लिंग है डार्लिंग। जल्दी चलना, कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग तेरा यार। क्यों? अरे गोविंदा के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करना क्या? अरे तुम लोग जाओ, मैं नहीं आता। ए तुम, अरे यार तू नहीं आएगा तो चंदा कौन देगा? अरे जिससे लेना है उससे ले, जो नहीं देता उसे छोड़ दे। अरे इस टाइम गोविंदा को स्पॉन्सर अपुन करेगा। तुझे खरात नाही पानी घागर उतानी रे गोपाला, तुझे खरात नाही पानी घागर उतानी रे गोपाला।
हर तरफ है ये शोर। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। के ऊपर खड़ी देखना फुलझड़ी, हम करेंगे कोई छेड़खानी, करेंगे कोई छेड़खानी। ओ हम चले झूमने आत्मा झूमने, आज मस्ती में है जिंदगानी, आज मस्ती में है जिंदगानी। हाँ दे दो दुआएं माँ जी, मारेंगे हम तो बाजी, दुश्मन जमाना जलेगा। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। दगडू मामा पेटी वाजव, मामा पेटी वाजव, दोन कोंबड्या दे नाहीतर पातळून सोडव। इस गली उस गली बात अपनी चली, हो गया अपना ही बोल बाला रे, अपना ही बोल बाला। हो जोश में होश का दोस्त तो काम क्या, हमसे टक्कर ना ले कोई साला, हमसे टक्कर ना ले कोई साला रे। हम सब है दिल के राजे, अपना ही डंका बाजे, अपना ही सिक्का चलेगा। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, आज हम लोग मस्ती करेगा। ओ कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, हाँ आज गड़बड़ घोटाला चलेगा रे, आज गड़बड़ घोटाला बिल्कुल चलेगा। टमाटर काट जल्दी, अरे काटने जल्दी बाबा, जल्दी कर चल जल्दी कर। ये बोपुले, ये रघु, इस साल वो विजयनगर के हंडी फोड़ने की रह गई ना, और नहीं तो क्या, 5,000 रुपया सीधा पानी में। अरे तो क्या हुआ, धंधा तो अच्छा चल रहा है ना, अरे बाकी की हंडी फोड़ के 14,000 रुपए ठस हो गए ना। ये मंगिया, आज डेढ़ फुटिया क्या सॉलिड गिरा ना ऊपर से, मेरी वजह से खटिया खड़ी होते होते बच गई। हाँ ऐसी कनपट्टी देगा ना भोपिया, साले ये नीचे से हट गया इसलिए मैं गिर गया। आय 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 आय। ए रघु, दो पाव भेजना। अबे सालो गोविंदा खलास हो गया, काम पे ध्यान दो, ये ले रहे दो पाव दे उसको। देता हूँ। ए शाना, प्लेट लेके जाना,
ये डेढ़ फुटिया हाँ। ये जा रहे वो उपेल का हिसाब ले ले। ए मंगिया तू जाना, मेरी कमर दर्द कर रही है यार। ए चल जा चल, काम चोर साला, जब से नाटक देख रहा हूँ तेरा। साला तुम लोग का भी टाइम आएगा एक दिन, दिखाता हूँ। कैसे कुंडी हिला के चल रहा है, ये चमक चल लो। आता हूँ सालो, फिर दिखाता हूँ तुमको चमक। क्या साहब कैसी लगी अपनी पाव भाजी? चले शाने चल, प्लेट साफ कर। कैसी लगी पाव भाजी? सिगरेट मिला। आपका टोटल 220 हो गया साहब। काय के 220 रुपए बे? काय के 220 रुपए? छह भाजी, एक खड़ा भाजी 20 पाव, पांच पुलाव, 20 पापड़, वो भी सब डिस्काउंट मार के आए कि नहीं साहब? हमसे पैसा लेगा? फिर ये सब आप ही ने खाया ना साहब? ये प्लेट लेके मत जा चल, पैसा मांगता है भड़वा। ओ साहब गाली काय को देता है? ए दिया गाली चल। अरे बोला भड़वा, क्या कह रहा तू? कोई जानता मेरे को? अरे अपना पैसा दे दो ना, तुम कोई भी हो। ये मुन्ना नाम है मेरा, समझा? फ्रैक्चर बंडे का भाई हूँ मैं। तेरे को तो इधर ही गाड़ डालूंगा, तेरी तो माँ की डाल दूंगा तेरे को, समझा? भाई छोड़ दो भाई, समझा? गलती होगी, समझा साले को? फिर साला धंधा पानी करने का नहीं, इधर ही गाड़ डालूंगा साले। भाई अपने से पैसा मांगता है? अरे भाई तुम्हारी गाड़ी है ना भाई, भाई मैं माफी मांगता हूँ। चल माफ कर दो इसे भाई, गलती होगी भाई, पागल हो गया ये, जान दो ना भाई। चल उधर साले, चल चल। बहुत चर्बी चढ़ के तुम लोग हैं, सब सुन के लेना मांगता है तेरे को। साला उसने मेरे को मारा और तू उसकी माफी मांग रहा है? अरे धंधे में सब सुन के लेना मांगता है। अरे फ्रैक्चर भंडिया के छोकरे के साथ पंगा कौन लेगा? तो उसके मुंह पे लिखा था क्या कि वो फ्रैक्चर भंडिया का भाई है? बोलने का ना कि भाई मैं फ्रैक्चर भंडिया का भाई हूँ, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, भीख में दे दो भाजी पाव। अभी देख तू शांत हो जा, अगले दफा कोई नड़ेगा ना तो छोड़ूंगा नहीं, बोल के रखता हूँ। 1 2 3 ए डेढ़ बूढ़े भाई, तेरा बाप डेढ़ बूढ़िया है, इधर आ। क्या रे मुंह लटका के क्यों बैठा है? तो और क्या करूं, बाबा ने तेरा काम तो कर दिया ना, मैं तो वही हूं बेकार। और फिर पूजा के पिताजी उसकी शादी कर देंगे किसी और के साथ कुछ ही दिनों में। अरे टेंशन काय को लेता है यार, एक टाइम नौकरी मिल जाएगी ना तो छोकरी भी मिल जाएगी। नौकरी कहाँ मिलेगी, जहां जाऊं पैसे मांगते सब। कितने पैसे मांगते? तू क्या कर लेगा जान के? अरे बोलना। 25,000 दो दिन में दे दूंगा। कहां से लाएगा तू इतने सारे पैसे? तेरे को उससे क्या, अभी तू ऐसा मुंह लटका के मत बैठ। एक हफ्ते में ना वो पूजा के बाप से भी बात कर लूंगा। क्या भीमरूपी महारुद्रा वज्र अंकल वनारी, कैसा है पूजा बीजा चालू है लगता है? नवा टीवी सॉलिड है यार, लगता है होटल वीटल मस्त चल रहा है तुम्हारा। अपुन ने भी एक पाव भाजी का गाड़ी डालेला है, 4-5 हजार रुपए का गल्ला है मालूम। अरे तुम भी आओ ना अंकल अपनी गाड़ी पे कभी, अरे छप्पट तोड़ पाव भाजी खिलाएगा, वो भी डबल मास का मर के। अरे वो अपने विजय ना, उसका भी नौकरी फिक्स हुए है। अरे अपुन ने खेला है, 25,000 रुपए दिए ला है मालूम। अरे वो गोविंद भाई है ना, गोविंद भाई उनसे लेकर बोला के 2-3 महीने में वापस कर देगा फुल टू फटाक। सोचा के इसी मौके पे अंकल को मिलके आते हैं। क्यों क्या है, वो अपने भाई की शादी हो गई ना एक बार पूजा के साथ, तो अपना टेंशन खलास। क्या बोला तू, किसकी शादी? अल्लाह तुमको मालूम नहीं? अरे वो अपनी पूजा है ना, वो अपने भाई की लवर है ना। अरे 2 साल से लफड़ा चालू है उन लोग का। चल उठ उठ। क्या हुआ, क्या हुआ अंकल, क्या हुआ? चल बाहर, चल निकल बाहर। अरे अंकल शट अप। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे तेरी औकात है मेरे लड़के के बारे में बात कर रही थी? साला पाव भाजी की गाड़ी का डाला हमसे बराबरी करने लगा। अरे गेट आउट। अंकल अंकल बात तो सुनो। अरे गेट आउट। अरे ऐसा दिमाग हटाया ना बुड्ढे ने कि लगता था 21 देने का खौचा साले को। रघु इसमें 70 रुपया। रघु वो विजय भैया की शादी तो रुक गई ना? अरे हटा रे, मैं बोला विजय को 2 महीना ठहरने का, फिर लड़की को लेके वन टास। हाँ। क्या? दे 30 रुपए उसको। हाँ। बात क्या है डेढ़ फुटिया, 2 महीने का टेंशन रहता है ये टाइम, फिर वो लड़की के माँ बाप है ना लाइन पे आ जाते है क्या? और नहीं तो क्या, वो अपने 2 मालिक की कहानी छकू, वो टकले केसियों के साथ भागे ना 6 महीने पहले, और अभी बैठी है ना घर पे आराम से। अरे मैंने तो सुना है, लगा भी है टेम का। ये बर्थडे को ना पूरी एरिया का खबर रहता है। भिखारी लोग आए, देख भीख मंगे साले, जाओ 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 कुत्ते को दे दो भीख। दे सत्या जाओ ऑर्डर लेके।
ऑर्डर ले। बड़े बैरिस्टर आए ना साले, बड़ी बड़ी बातें भीख मांगे खाते। बोलो सर, क्या खिलाओ? ए नागेश, क्या खाएगा? वही यार हमेशा का। एक काम कर, दो खड़ा भाजी, एक भाजी मक्खन मार के, आठ पाव। ए ए पुलाव खाएगा? हाँ पुलाव खाएगा। दो मक्खन पुलाव। हाँ चल वट। मुन्ना भाई, कल का वो शाना नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ ए ए ए इधर ए इधर इधर गया वो कल का शाना। जा उसके बुला के लेके आ जा। छोड़ो ना साहब, गलती हो गई उससे, उसको तो अकल ही नहीं ना साहब। अबे लंगूर, जितना बोला उतना कर, वरना कान के नीचे दूंगा। चल चल सब, जाने दो, गलती हो गई बेचारे से। ए चलना जाना। या इला, क्या हुआ मुन्ना भाई? ले मूड बना, जो कहते हैं ना सुन ले, ज्यादा बकवास मत कर समझा। अरे पीएला है यार, इनसे नर के कोई फायदा नहीं समझा। जा आ गया शाना। आया बेटे आया। क्यों बे, आज पैसा नहीं मांगेगा? हाँ क्या रे, बोलती बंद हो गई, जबान कट गई क्या तेरी हरामी? अहिला क्या खुन्नस दे रहा है? देख देख मैं डर गया। मर्डर गया। डर गया। क्या रे, आज मचमच नहीं करेगा वो दिन की तरह? बोल ना, बोल। मारता काय को है? क्या करेगा, उगड़ेगा? माँ की, अरे हिजड़े लोगो, तुम तुम्हारे दोस्त को ये खाली बिल्ली मार रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो? ए, क्या करेंगे वो, क्या करेंगे? साला बड़ा भाई बनता है। तू जा इसका घोट से सुन रहे हैं लंगूर, समझा क्या मेरे? डाल तो इसको, डाल 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 इसको। क्या बैठे क्या रे, क्या कर डाला, क्या कर डाला तुम दोनों ने? कमीनो, बर्बाद कर डाला सब कुछ। शांता तुम चुप रहो। मां मैंने उसको मारा नहीं मां, वो गलती से मर गया मां, नहीं तो वो डेढ़ भुड़े को मार देता मां। अब क्या होगा, मेरा तो पूरा करियर बर्बाद हो गया ना। तू चुप कर विजय, चल उठ, चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। नहीं चाची नहीं, पुलिस में जाओगे तो जान से हाथ तो बैठोगे, फ्रैक्चर पंड्या की जेब में है पुलिस। तो फिर हम लोग क्या करें? मैं तो कहती हूँ हम पुलिस में जाएंगे, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरी बात मानो, मैं जो बोलता हूँ वही करो। जाओ जाओ। अरे नहीं, रुको, बात सुन, रघु सब पुलिस को बता देंगे। रुक जा बेटा, रघु रघु सब बोल, कहाँ छुपाया रघु को, बोल कहाँ छुपाया है, वरना हड्डी फसली तोड़ दूंगा। जो कुछ भी पता था आपको बताया साहब? झूठ बोलता है इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोलता है साहब। बोला ना कुछ नहीं मालूम साहब। अबे तेरी तो साहब, कुछ नहीं मालूम साहब। तुम सब मिले हुए हो, मैं तुम्हारी एक एक की खबर ले लूंगा। ए क्या कर रहे हैं? ए बेवड़े बोल, कहां है तेरा लड़का? मालूम होता ना तो भी नहीं बताता। नहीं, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। अरे जानते ना साहब, मारते क्यों? नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। तू कौन है? सब इंस्पेक्टर किशोर कदम, दादर पुलिस स्टेशन। मैं इसी चाल में रहता हूँ। सीनियर से जबान लड़ाता है, पुलिस वाला होके पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालता है। सस्पेंड कर दूंगा,
आउट। तुम सबको मैं एक लास्ट वार्निंग देता हूं, अगर दो दिन के अंदर रघु का पता नहीं मिला तो मैं तुम सबकी लंबी भारत निकालूंगा यहां से। फालतू का टेंशन, ये रघु के वास्ते जीना हराम कर दिया है फ्रैक्चर बंड्या ने। रावंत, गणेश गली चलो। एमएलए चुनके दिया तो क्या तुम्हारे घर के बर्तन मांजू? कौन सा हिमालय पर्वत चढ़ा है वो? खूनी तो किया है ना, अब इधर आके क्या फायदा? वो अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है। तो मुझसे क्या चाहते हो तुम? जेल में पुलिस उससे जरा अच्छा बर्ताव करे तो। क्यों, पॉलिटिशियन है क्या वो? ए? अरे किशा। हे किशा, अच्छा हो गया तू आ गया यार। हाँ हाँ। देख, हम दोनों को पुलिस के हवाले कर दे यार। हाँ यार। नहीं नहीं नहीं, ये अभी नहीं हो सकता। अभी सेक्शन बहुत गर्म है और वो फ्रैक्चर बंडिया उसके तो सिर पे खून सवार है, वो साला तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। तीन दिन से कुछ खाया नहीं पिया नहीं यार, कुछ दिन और छुपना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे यार। चलो मेरे साथ। किधर? इस मुसीबत में तुम्हें एक ही आदमी सहारा दे सकता है। कौन? विट्ठल कानिया। अच्छा किया, अच्छा किया। नीच बड़वा है साहब, फ्रैक्चर बंडिया का भाई लोग। अच्छा किया, मार दिया साहब के बच्चे को। उसको मारा नहीं विठल भाई, गलती से मर गया वो, नहीं तो वो इसको मार डालते। मेरे से क्या चाहिए? हम अपने आपको पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। हाँ। अरे बिक गई है पुलिस फ्रैक्चर बंडिया के हाथों, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर एक चीज मैं कर सकता है, यह मामला ठंडा होने तक तुम लोग इधर रह सकता है। डरने का नहीं, हाँ डरने का नहीं, इधर तुम्हारी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। हाँ, भूख लगी? खाना नहीं खाया तू? हाँ अरे वाह, खाना खिला इनको, जा जा। हाँ, खाना खाने का? शुक्रिया विठल भाई। शुक्रिया गायका, अच्छा किया इनको इधर लाया तू। अभी देखता उस साला फ्रैक्चर गैंग क्या करता है। सलाम अलैकुम सुलेमान भाई। हाँ वालेकुम सलाम। बड़ा अफसोस हुआ भाई की खबर सुनके। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। आओ अंदर। नहीं, यही बात करेंगे। बोल। मुझे रघु चाहिए। क्यों? क्यों क्या, ठोक देंगे साले को, खून का मतलब खून। देख बंडिया, जो हो गया वो हादसा था। लेकिन भाई तो हमारा मारा ना, इसकी तो मौत का। छोटे सुलेमान भाई, कीमत बोलो, मुझे किसी भी हालत में रघु चाहिए। देख बंडिया, रघु किसी गैंग का तो है नहीं, इसलिए बखुदा मुझे पता नहीं कि इस वक्त कहाँ है। और लोग मुझे मांडवली बादशाह बोलते हैं। मैं मौत के बदले में मौत का सौदा नहीं करता। जान बख्शनी है तो बोल। 20 लाख रुपए। हे भाई, चुप, हमारे भाई आप। 20 पेटे? अरे उसके माँ बाप कहाँ से देंगे? उसके माँ बाप की कौन बात कर रहा है? तो विठल काणे देगा। विठल कानिया? वो क्यों देगा? अक्की बम्बई में एक ही चैसा आदमी है जो उसे आसरा देगा। तो जाके बोलो उस कान्या से, अगर उस कुत्ते की जान बचाना चाहता है ना तो 20 लाख की तोड़ पानी करे। खुदा हाफिज। चल छोटे। सवाल ही पैदा नहीं होता मांडवाली करने का। साला 20 लाख रुपया लेकर भी मार डालेगा इन लोगों को, उनका जबान में भरोसा नहीं है मेरे को। विठल मैं हूं ना, मेरी जबान का भरोसा कर। अरे पर वो तो कुत्ता ही है। अरे 5 साल पहले मेरे पास काम करते थे, सारा मेरे ही पीठ पे छुरा भोग के निकल गए। सवाल ही पैदा नहीं होता मांडवाली करने का भाई। मैं 5 वक्त का नमाजी आदमी हूं, मेरी जबान का तो एतबार कर। भले मेरी जान भी चली जाए, इन लोगों का बाल भी बाका नहीं होगा। अभी तुम बोल रहे तो ठीक है, मैं पैसा देता है। हा?
जाओ। तुम सोच रहे होंगे कि 20 लाख देने को मैं तैयार कैसे हूं। क्या है सुलेमान भाई, एक टाइम था कि अखा मुंबई पे विठल कानिया का राज था। ये दोनों मेरा वाइट देन वापस लाएंगे। नहीं। मैं साला भूल गया था, तू तो सिगरेट दारू छूता ही नहीं। अरे जिंदा कैसे रहता है? इसीलिए तो जीता हूं। शाबाश। ये मांड वाली करने की कभी है? परसों रात को। किधर? कैफे ब्रिटानिया। तो पानी कम चार। पानी कम। लेकिन विठल कान्या भी तो एक खूनी है ना, गुंडा है, और रघु उसके साथ है, उसके साथ। अभी तो ऐसे ही होना है, मैं पहले से ही जानता था। देखो विजय, जो कुछ भी हुआ है उसमें रघु का कोई कसूर नहीं है। क्या कसूर नहीं? मैंने सुना है विठल कान्या रघु और फ्रैक्चर बंडे में सुलह करने वाला है, और रघु खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। कब हो रही है सुलह? आज रात को। रघु, बंदूक तो वो टेबल के नीचे लगाई है, हमें यहाँ क्यों बिठाया? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। सलाम अलैकुम। सलाम। अरे भाई। हाँ देख लो देख लो, कुछ सामान नहीं लगाया। हाँ। नहीं भाई, उन लोग को इधर बुलाओ। ठीक है। ये ले बंडिया। क्या हुआ? पूरे 20 लाख है। रख लो तुम। मुझे पैसे नहीं, ये दोनों चाहिए। दे बांडिया, देख, उस दिन तूने जबान दिया था ना। आज तोड़ रहा हूं, उखाड़ लेगा कोई। बंडिया, मेरी जबान का क्या? हमारे भाई के जान से ज्यादा है। तो बहुत गर्मी है तुम्हारे खून में कुत्तो। क्या है भाई? भाई गलती होगी भाई, माफ कर दो भाई। चुप, आज उतार देता हूं तुम्हारी गर्मी। जलाल, क्यों फट गई? अपनी मौत सामने देख के फट गई? मेरे भाई को मारा ना तुम लोग ने, शाने लोग। क्यों बात करके टाइम खराब कर रहा है? ठोक देना इनको। रघु मेरी बात समझ, तो मैं कह रहा हूं उसे साफ साफ समझ, वो सब लोग जो कुछ भी करते हैं उनका किसका चुना मत तुझे, मैं खूनी हूँ, छूना मत मुझे, मुझे पुलिस के हवाले कर दो। अरे मार डालेंगे वो तेरे को। अरे तो क्या फर्क पड़ता है? अरे मारने दो ना मुझे। अरे मैं खूनी हूँ, नहीं छूना मत, छूना मत मुझे। चुप चुप। अरे तू नहीं मारता था, वो लोग मार डालते तेरे को। तेरे बेचे भाई ये बात घुसता कहीं को नहीं। तू पी। मैं पीता नहीं। पी इसको। अरे दवाई पी लो। दवाई रे पिल पिल। श्री कृष्णेन सुभद्राये
गर्भवत्ते निरूपितम् चक्रव्यूह प्रवेशस्य अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो शृणो रहस्यं चक्रव्यूहस्य सम्पूर्णं न स ज्ञातवान् माँ, क्या इतना खुन्नस दे रही है तू? तेरा रघु ही तो खड़ा है ना तेरे सामने। ये बाबा, ये देख, तेरे लिए स्कॉच ला रहा हूं, फॉरेन का है। ये विजय, ये घड़ी और ये कपड़े। हे माँ, ये देख, तेरे लिए साड़ी, फिर ये देख। खरीदना चाहता है इसे? हमें प्यार से लाया हूँ। तेरी हराम की कमाई का हमें कुछ नहीं चाहिए, ले जाइए सब। लेके जाने के लिए नहीं ला लूं मैं। नहीं मांगता है ना तो बाहर फेंक दे इसे। ये देख रही है, ये देख, असली असली 50 तोला, 50 तोला, कितना? 50 तोला। हे बाबा, ये देखना, ये बुड्ढी की आंखें घूम गई। हे बाबा, एक और झकास चीज दिखाऊं क्या? हाँ, ये इधर निकल, देखना देखना, इसे बोलते घोड़ा। क्या? घोड़ा, 2 पेटी का है। अरे 2 पेटी का मतलब 2 लाख रुपया। देखना बाबा। हे माँ, माँ देखना। अरे डरती क्यों है रे, ये खुद ब खुद थोड़ी चलेगा। देख, मैं तेरे को दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं मैगजीन, इसको डालते हैं इधर ऐसे, और इसको बोलते हैं ट्रिगर। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास। अरे समझ गए ना माँ? अब तो इसे किसी पुलिस वाले से डर नहीं है ना? जिस फ्रैक्चर बंडे से इसे खतरा था, उसको तो इसने खुद ही हटा दिया। तो कहो इसे, अब भी वक्त है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अरे माँ, यकी मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है जो नजर उठा के अपुन के साथ बात कर सके। मुंबई पे राज करता हूँ राज। क्या? अरे पकड़ने की बात छोड़, अपुन को कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? अरे तू क्या समझेगी, छोड़ना। क्यों रे विजय, तेरी नौकरी ठीक चालू है ना? काहे की नौकरी, नौकरी मिलेगी तो चलेगी ना। अरे क्यों? अरे पैसे तो दिए थे ना मैंने। पैसे तो दिए उसको, लेकिन अगले महीने बोल के टालते रहता है। किसको दिए थे पैसे? वो परफेक्ट प्लेसमेंट वाले हिम्मत शाह को। अरे रघु भाई, आपको आने की क्या जरूरत थी? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं उसे नौकरी ना दूं? आपका ही ऑफिस है, नौकरी फिक्स, पगार चालू मालिक।
ए, कौन है रे तुम लोग? अंदर कैसे घुसा है? बाप रे, गृह मंत्री बबन राव कदम खुद मेरे गरीब खाने पे। सलाम अलैकुम सुलेमान भाई। वालेकुम सलाम। आइए आइए बैठो। आज बैठने के लिए नहीं आया। रघुनाथ नामदेव शिवलकर, रघु भाई अपने काम का लड़का है, मीटिंग फिक्स करा दे। ये लड़का आपके काम का नहीं है बबन राव, ये साला उल्टी खोपड़ी का है, किसी के अंडर काम नहीं करेगा। देखेंगे। अरे दुनिया में पैसे से क्या काम नहीं होता, मीटिंग तो करवा दे। आज लाखों में खेल रहा है, मेरे साथ काम करेगा करोड़ों में खेलेगा। देखता हूँ। मुंबई में और भी पंटर लोग है, तुम मेरे पास काहे को आए रे? अरे तुम में और बाकी लोगों में बहुत फर्क है बेटे। अरे नाटक करना है तो कोई इनसे सीखे, लेकिन काम अपनी मर्जी से करूंगा, समझा? बिल्कुल जैसा तुम चाहो। काम की कीमत मैं तय करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुलेमान भाई, विट्ठल दादा अपनी तो निकल पड़ी। ये तो सिर्फ शुरुआत है बेटे। विट्ठल दादा ये लो। क्या इसमें? पेशगी। अपुन ने काम कौन सा किया रे? काम की कौन सी जल्दी है, काम तो होता रहेगा बेटे। और एक बोलता हूँ। अरे अच्छे अच्छे कसम से अच्छे है। तेरे को बोलते हैं नेपाल में कभी चोरी नहीं होती, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ सभी लोग गुरखे होते हैं। ये बस करना दे, बुढ़िया काय को पता चल रहा है। ये देवा काय रे? ये अभी बस कर रहा। आधी कदम गड़ा ये ले की जा। ले ले। ये क्या है? अरे रख ले ना यार, पुलिस स्टेशन में लेता है ना, सब मालूम है मेरे को। अरे पर तेरे से थोड़ी लेगा यार। अरे कौन सी मेहनत की कमाई है, अभी तो बहुत पैसा आने वाला है। ये देख बुढ़िया बोलना। हाँ फिर? और तेरा मिनिस्टर है ना बबन राव कदम, वो आज कल रघु की जेब में है। मेरी बात मान रघु, तो उससे बच के रहना। अरे हटा ना यार। अरे मैं उसको बोला, ये बोलना डेढ़ बुढ़िया के अपनी मर्जी से काम करूंगा, जबरदस्ती नहीं। अपन ने जितना पैसा बोला उतना ही मांगता है। हसलो हसलो सालो। अरे अभी भी बोलता हूँ समझ जाओ। एक बात बोलो, तुम लोग दोनों ना शादी कर डालो। अरे तुम लोगों की बीवी आई है जो तुम लोगों को संभाल सकती है। अरे अपुन को कौन ये लड़की देने वाला है? अरे लड़की देख के ना अपुन की तो बोलती बंद हो जाए। एक मिनट, इधर इधर आ, इधर एक अंदर की बात बोलता हूँ। आजकल है ना, लड़की को देख के अपुन की तो हट ही जाती है। तेरा तो उल्टू प्रॉब्लम सॉल्व करेगा मैं। अभी आपने सच चल किधर? जन्नत में। एक दूंगा लड़की साला। अरे आना, तू काय को टेंशन लेते, आ बिंदास आ। आजा आजा आजा। ए जूली तेरा शाहरुख आया देख। अपने को बोल रही है। ए मेरा शाहरुख आया। मोस्ट वेलकम। क्या बात है जूली, तू आज एकदम इंग्लिश झाड़ रही है। कोई अंग्रेज आके गया क्या? क्या कहा? एकदम इंग्लिश टॉकिंग। बच्चियाँ किसकी है? वो भी तू देख लिया, तेरे को कोई पसंद आती है तो। हाँ तू टेंशन मत ले यार, तेरे को इधर पसंद नहीं आई ना तो अपने पास बहुत अड्डे है। वो देख हेमा मालिनी, देख वो देख, देख ना यार, दूसरी देख ले, देख ना यार तू भी। पसंद आई? पसंद आई क्या बोलना? अक्का जा सोनू, बैठ जा उसके साथ। जाना यार, जा रही। आज तू नहीं बैठेगा क्या? चलना है?
तू क्या ऐश्वर्या है? कल ही बैठ के गया ना, साला टार्जन हूँ क्या मैं? चले चंपा ताज ला, तू पी डबा, चल चल। बहुत दिन के बाद ताज खेलेंगे अक्का। ये रेशमा बियर लाना यार। ए, उधर खड़ा रह के देखते रहेगा, लड़की देखी नहीं कभी? चल चल कपड़े उतार, साला धंधे के टाइम पे खोटी मत कर। हाँ अरे बाबा बहुत देखी है रे बंदूक, आजकल 12 साल का बच्चा भी बंदूक लेकर घूमता है। रख उधर, रख रख और आजा। क्या हुआ, करंट लग गया क्या? तेरे को तो बुखार है। तो अब क्या डॉक्टर लाके इलाज करवाएगा मेरा? जो काम करने आया करके निकल जा, फालतू की हमदर्दी मत दिखा, डर लगता है हमदर्दी से। चल पतलून उतार। नाम दो पेड़ा किस खुशी में? वो विजय की नौकरी पक्की हो गई ना। चलो अच्छा हुआ, एक लड़का तो लाइन पे लग गया। हाँ। अब किधर एक अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी करवा दो, हाथ बटाएगी तुम्हारी बीवी का। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। देखो बालाजी, मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि विजय और पूजा एक दूसरे को चाहते हैं, क्यों ना उनकी शादी करवा के। देखो नामदेव, यही बात तुम्हारा वो लफंगा बेटा आके बोला था, अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो मैं उसे जला दूंगा, लेकिन तुम्हारे घर नहीं दूंगा। लेकिन बालाजी। अप्पा, नान इन चोलरन। वाय मुड़ा, अप्पा के नेरे वाय तोरा करा है, उनका नाना मिल लिया, पौला, पौला। अरे, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? देखो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे बेटी का पीछा छोड़ दो। बालाजी मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अगर तुम्हारे जगह कोई और होता तो धक्के मार के बाहर निकालता मैं। बालाजी आप प्लीज प्लीज गो, प्लीज गो। ए, क्या बात करता है, मेरे बाप को इंसल्ट किया उसने, फिर धक्के मार के घर से बाहर निकाला उसको, फिर ए, सोमवन चर्बी चढ़ के लिए उसको वो अरे बोलना, पूजा के बाप को। हाँ, पूजा के बाप को चढ़ गया है ना। हाँ, बहुत पैसे वाला लड़का देखने को आने वाला है पूजा को। क्या बात करता? तो फिर कब? परसों फ्राइडे को। फ्राइडे? शुक्रवार। चुप बैठना, तू जा इच्छा को। लो भाभी, जरा लड्डू तो खाइए। नहीं भाई साहब, बहुत खा लिया। अरे जरा चक्के तो देखिए, पूजा ने अपने हाथों से बनाए हैं। अच्छा, पूजा ने बनाए, तब तो जरूर खाऊंगी। भाई साहब, 2 महीने के बाद शादी का मुहूर्त रखे? नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा। क्या अंकल, कैसा है तबीयत पानी? अम्मा वो अच्छा, तो ये लड़का है? अच्छा है, क्या बोलते रहे उसको? स्मार्ट बॉय। स्मार्ट बॉय। और वो नीचू सब गाड़ी बीड़ी वो सब? वो इन्हीं के है, इन्हीं के है। कितना पढ़े ला रे तेरा छोकरा? इंजीनियर है हमारा बेटा। अरे तिच्चिया माइला। स्मार्ट बॉय, गाड़ी, इंजीनियर, तुम लोगों को फिक्र ही नहीं है इसकी, कोई अच्छी लड़की ढूंढो ना इसके लिए, पेटी पैक। चलो चलो जाओ यहां से, और एक अच्छी लड़की ढूंढो अपने छोकरे के लिए। ए बालागिरी, मैं तो डाली दूंगा तेरे को। वो पूजा है ना, पूजा, उसकी शादी विजय के साथ होनी मांगती है, समझा ना? अभी है ना, अभी तो मैं सिर्फ समझाने आया हूँ, अगली बार आऊंगा ना तो 6 की 6 डाल दूंगा विजय में। नहीं नहीं नहीं, ये अरे अरे हुआ, but because already why you
डेढ़ फुट है। नालायक, किसी को चैन से जीने नहीं देगा तू, किसी को नहीं। ये लो भाई, सलाम। कितना है? 15 फीट। 25 बोला था ना? क्या करे भाई, धंधा जरा डाउन है, 15 दिन में दे दूंगा। दूसरी बार सुनूंगा नहीं, समझा ना? चल बिल्कुल भाई। उठा ले राने, उठा ले, तेरे लिए छे। विठल काने की खबर की कीमत। अब भाई इसकी क्या जरूरत थी? रख ले रख ले, तेरे शौक भी तो पांडू बहुत महंगे है ना। निकलता हूं, और कोई काम हो तो बता दीजिए। रघु, उसकी खबर दे दे, बंबई का सबसे अमीर पुलिस वाला बनेगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख कर क्या बैठे रहेंगे रघु? चलना, घुसकर पूरी फ्रैक्चर गैंग खलास कर डालते। नहीं डेढ़ फुटिया, वो लोग भी यही चाहते हैं। पूरी फील्डिंग करके रखी होगी उन लोगों ने अपुन के लिए। अपुन यहां से बाहर निकलेंगे ना तो अपुन ही टारगेट बनेंगे। तो क्या छक्के हम विठल दादा के खून का बदला नहीं लेंगे? लेंगे, बदला जरूर लेंगे डेढ़ फुटिया, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। टाइम होता है देर पुटिया। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ये तुम्हारी कसम, 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट मिला है कंपनी की तरफ से। सच? अगले हफ्ते तक पोजेशन भी मिल जाएगी। हाँ। मार बाबा सुनेंगे तो कितने खुश। पूजा, वहाँ सिर्फ हम दोनों रहने जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूजा, मैं अपनी पुरानी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। अपनी नई जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे देख के कहे कि ये रघु का भाई है। अच्छा, तो उसी भाई की वजह से मिली नौकरी तुम्हें चलती है? हाँ? नौकरी मिली होगी उसकी वजह से, लेकिन आज ये जो इज्जत मिली, ये जो फ्लैट मिला है, ये सब मेरी मेहनत, मेरी लगन की वजह से मिला है। अरे स्वार्थी हो तुम, स्वार्थी। रघु ने कर्जा लेकर तुम्हें पैसे दिए, तुम भूल गए? लौटा दूंगा सारे के सारे पैसे। हाँ, और एक बात और, घर छोड़ के जा रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि रिश्ता तोड़ के जा रहा हूँ। रुपए भेजते रहूंगा ना महीने के महीने। ये क्या कह रहे हो विजय? हम माँ और बाबा के बिना कहीं नहीं जाएंगे। वो जाना चाहता है ना? जाओ तुम। शांता, तुम इतना दुखी क्यों होते हो? मैं हूं ना चिड़िया के बच्चे, जब बड़े होते हैं ना तो आसमान में अकेले उड़ने लगते हैं। हमारे बच्चों को भी यह अधिकार है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि हमारे बच्चों को उड़ने के लिए आसमान नहीं है और जमीन है, जो छोटी से छोटी होती चली जा रही है। मां, जाओ बेटी, हमें तुम्हारे घर में नहीं, दिल में जगह चाहिए। मां, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। जब भी तुझे देखती हूँ ना, एक बेटी की कमी बहुत महसूस होती है। छोड़ के आया मतलब? तो क्या पूरी जिंदगी में उस चाल में रहने वाला था? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ विजय, कि कम से कम तू माँ और बाबूजी को अपने साथ। तो तुम क्यों नहीं रख लेते उनको अपने पास? अरे तू जानता है वो नहीं रहेंगे मेरे साथ। मैं कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी अपनी पुरानी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता हूं मैं। इस सोसाइटी में शरीफ लोग रहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो विजय? ठीक कह रहा हूं मैं पूजा। और एक और बात, अच्छा होगा कि आज के बाद तुम यहां ना आओ। खाना तो खाकर जाओ,
नहीं पूजा, मेरा पेट भर गया है। बस हो गया ना रघु। ए सुनो, आज पीने दे मेरे को। नीच है साला, नीच है, नीच। सुनो, मुझे कभी यकीन भी नहीं होता था कि माँ और बाबा अकेले पड़ जाएंगे। अरे अरे, क्या क्या नहीं किया उसके लिए दोनों ने, पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएट बनाया, और वो साला शादी किया, बीवी को लेके चला गया साला। तो तुम क्यों नहीं रहते उनके साथ? अरे सर पे बिठा कर रखता, लेकिन क्या करूं, मेरी वो बुढ़ी है ना, नहीं रहेगी मेरे साथ। क्यों? अरे क्योंकि 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 क्या? क्योंकि मेरे पैसे नहीं चलते ना मेरी बुढ़ी को। दो नंबर का धंधा करता हूं ना मैं। तो छोड़ क्यों नहीं देते ये काम, बोलो। नहीं छोड़ सकते ना, तो तुम में और विजय में कोई फर्क नहीं। बोपो? हाँ काका। क्या हुआ, डेढ़ फुटे से बात हो गई? हाँ फोन तो मैंने किया था, डेढ़ फुटे और रघु आते ही होंगे। अरे आप कब आए? अभी आया होटल से। ये कब हुआ? दोपहर को। कब ले जा रहे? पांडुक की बहन और भाई निकले कोल्हापुर से, अर्धिकल सुबह उठेंगे। क्या बात कर रहा है राणे, खबर पक्की है? एकदम पक्की। कल सुबह 10:30 के बीच उसका क्रियाकर्म होगा दादर शमशान भूमि में। दादर शमशान भूमि? केशवायन महानारायणायन महामाधवायन महानारायण महाविष्णवेन महामधुदनायन महात्रिविक्रमायन महावामनायन महापद्मनाभायन महादामोदरायन महागंगाक्षणायन महावासुदेवायन महाप्रद्युम्नायन महानुद्धायन महापुरुषोत्तमायन महादुःखदायन महानारसिंहायन महाकृतायन महाजनार्दनायन महा ओम श्री कृष्णायन महा आत्मना मम पितुः मृत्युदोषः त्रिवारार्थम् उत्तमलोकप्राप्त्यर्थम् प्रथमे हनि दशमदिनपर्यन्तम् चरुपिण्ड तिष्ठतु। कैसा है रे तगड़ू? ठीक ठीक है। परेशान क्यों? नहीं कुछ नहीं। अरे बोलना। नहीं नहीं, वो क्या है, मेरे बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर बोला। क्या हुआ उसको? उसको इधर इधर होल है दिल में, 1,00,000 खर्चा आएगा। मेरे से ले लेना। नहीं, मैं रमणी क्लाल से ले लूंगा ब्याज पे। कोई जरूरत नहीं, मुझसे लेना समझा। अरे तेरे से इतनी मुर्गियां चुराई है मैंने, उनका हिसाब समझ लेना।
आप लोग यहीं रुकिए प्लीज। What's happening here? क्या भीड़ है? बाजेटो बाजेटो। नर्स बी रेडी। यस डॉक्टर। इन्फॉर्म डॉक्टर जोशी एंड हैव यू गॉट। तू करेगा मेरे बाप का ऑपरेशन? हाँ क्यों? अगर उसको कुछ हो गया ना तो ठोक डालूंगा तेरे को, समझा? रघु माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं उनकी बीवी हूँ, आपसे जितना बनता है आप कोशिश कीजिए। मेरा बेटा ये नहीं जानता कि जिंदगी के हर काम में गुंडा करती नहीं चलती। आप जाइए। सब ठीक हो जाएगा। विजय किधर है? वो ऑफिस में है, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ बाबा जिंदगी और मौत के बीच में पड़ा है और उसको ऑफिस की पड़ी है। कह देना उसको कि गलती से भी मेरे सामने नहीं आए, नहीं तो ठोक डालूंगा साले को। चुप रे नालायक, किसको मारने की बात करता है तू? किसकी वजह से तेरा बाप यहाँ पड़ा है? माँ डॉक्टर ने कहा है उनकी जिंदगी अब खतरे से बाहर है, मगर खून की सख्त जरूरत है। आप में से कोई? हे, तू किधर जा रहा है? खून देने। खून देने? ये कोक के ना दारू वाला खून देगा तू? इधर ही रुक। अपना इस खून अपने लोगों के लिए जहर बन गया साला। सुलेमान भाई, ये फ्रैक्चर गैंग को अपने बारे में पता कैसे चलता है? इंस्पेक्टर राणे, वही तो फ्रैक्चर गैंग का खबरी है। चल 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 साले चल चल। कहां से लेके आए थे इसको? होटल में था छमिया के साथ, आधे से ही उठा लाया साले को। नहीं, छोटा फ्रैक्चर। नहीं नहीं सर, बताता हूँ कल सुबह 10 बजे पूरी फ्रैक्चर गैंग शेरी जा रही है। शेरी जा रही है? नहीं नहीं नीलेश, गाड़ी दिख रही ना तेरे को? दिख रही ना? हाँ, ये देख बुढ़िया, वो देख कुत्ते लोग जा रहे ले, फिर भी ओवरटेक करेगा उनको। चल 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 चल। शाने क्या नाटक कर रहा है तू? सारा कब से क्या अटैक कर रहा है? जाने देना उसको। वो देख कुत्ता। क्या हो रहा है इस शहर में? क्यों बन रहे हैं लोग एक दूसरे के खून के प्यासे? महात्मा गांधी के इस अहिंसावादी देश में इंसान जानवरों से बदतर क्यों हो गया? ये सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। सरकार तो खुद गुंडों मौलियों के हाथों बिक चुकी है। गलत है ये। सरकार तो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि गुंडागर्दी, खून खराबा और दहशतवाद को स्टेट से हमेशा के लिए खत्म कर दे। मैं आप लोगों से विनती करता हूं,
आप लोग इन गुंडों को हीरो ना बनाइए। रघु को आप लोगों ने बड़ा बनाया है, इतनी पब्लिसिटी दे दी, इतनी पब्लिसिटी दे दी, लगता है वो स्टेज का मालिक हो गया है। सर सुना, रघु आपका आदमी है, आप ही ने रघु को रघु भाई बना दिया है। ऐसे आरोप जब मुझ पर लगते हैं तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अरे जनता की सेवा करते करते मेरी रातों की नींद हराम हो गई और आप इस तरह के इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। जनता के दुख के कारण मेरी आंखों से निकलते ये आंसू भी क्या झूठे हैं? ढोंग है ये। ए, इतना नाटक करता है वो मिनिस्टर, लगेगा कि सचमुच लोगों की भलाई की पड़े लिए साले को। ए सोनू, बहुत खुश नजर आ रही है तू। अरे बोलना बे। पेट से हूँ। पेट से मतलब पेट में बच्चा है तेरा? हाँ। तू गिरा देना। नहीं, मैं बच्चा रखना चाहती हूँ। क्यों? तुम्हारा है। क्या बोली, क्या बोली तू? अरे किसी दूसरे का पाप मेरे गले में डालना चाहती तू? अरे इधर रहता हूँ, दो बातें करता हूँ, साली फांसना चाहती मेरे को तेरी तो? डाल दूंगा तेरे को। क्या करता है क्या? ए, समझा रे इसको, समझा। गटर की पैदाइश है ना, गटर में ही रहने का। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मार डालूंगा तेरे को। यार छोड़ ना, क्या कर रहे? इज्जत मेरे के धंधा करो, नहीं तो जला डालूंगा सब कुछ इधर। ये हट रहे चमेली का, जरा समझ सुन तो। रघु, रघु, अरे मेरी बात तो सुनना यार, यार थोड़े थोड़े बात पर क्यों गर्म हो रहा? सुना अक्का, मैंने उसे कब कहा था कि मुझसे शादी करो? मुझे पता था ऐसे ही होगा। सोनू, सोनू, हम जैसी औरतों को प्यार करने का कोई हक नहीं रे। आए देख तीन माले वाली। अरे यार ये तो दिन ब दिन फटाका बनते जा रही है, लेकिन इसका मर्द एकदम थकेल। अरे ये तो लंगूर के हाथ में अंगूर है भैया। हाय हाय, क्या चाल है, लपाक झपाक। ए चमेली पलट। रोज शादीशुदा औरतों को छेड़ते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जब खून है गरम तो कुड़ी काय की शर्म। हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगी, जुम्मा दोगी? थप्पड़ मारूंगी। दादा ऐसे ही जाने दिया? अरे जाएगी किधर, उसकी तो मैं बचा ही डालूंगा। अरे पूजा, पूजा, पूजा मेरी बात तो सुनो ना। देखो उन लोगों की मुंह लगना अपना काम नहीं है, तुम ध्यान ही मत दो ना उनकी तरफ। ध्यान नहीं दूं? कल तक बात सिर्फ छेड़ने तक थी, आज उन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत की। मैं पुलिस स्टेशन जरूर जाऊंगी। देखो देखो पूजा, समझा करो, पुलिस स्टेशन जाने से बात और बिगड़ जाएगी, और फिर हम लोगों को यहाँ रहना भी तो है। शर्म आती है मुझे तुम पर, शर्म। ठीक है, तुम डर के मारे घर पर ही बैठे रहो, मैं अकेली पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ। नहीं नहीं, चल जा यहाँ से, निकल जा। अरे तेरी शक्ल नहीं देखनी मेरे को। रघु, रघु देख मेरी बात, कुछ नहीं सुनना मेरे को। साला व्हाइट कॉलर, टीवी की इज्जत करना नहीं जानते साले, चल जा रे, हट रे। रघु मैं तेरे, हे तेरे फुटिया, लेके जा इसको, लेके जा इसको, नहीं तो डाल दूंगा इसको। चल विजय, चल चल उठ, चल। पर वो लड़के, अरे मैं बोलता हूँ ना, मैं हूँ ना। पूजा काम पे नहीं जा सकती। अरे मैं हूँ ना, मैं बोलता हूँ, अभी वो भड़के रहे, चल मैं देखता हूँ, चल। देखोगे ना? शांत हो जाओ रघु भाई, आखिर वो आपका भाई है ना। चाटने का है क्या ऐसे भाई को? समझा ना तू? चुप है, कौन वो लड़के? पाकिट मार है, एरिया में शायद नया है। पता लगाओ, बैठते का है वो शाने लोग। Thank you.
पूछता भी तू उसका चमचा है क्या तू चल जा बोला चल भाग 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 आया देख लंगूर साला ये शाने लोग जिस एरिया में तुम लोग बैठते हो ना कल से वहां दिखना नहीं मांगता है समझा समझा ए क्यों बे एरिया तेरे बाप का है क्या ए पांडव म्यूजिक क्यों बंद किया रे ये आइटम लोग नाचो ना मर गया तुम नाचो 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 गुंडों के हाथों मिनिस्टर ने बेच डाला है पूरे शहर को याद रखिए हिंदू और मुसलमान खुद होके आपस में नहीं लड़ते सियासी फायदे के लिए उन्हें लड़वाया जाता है तोबा 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 कितना मचमच कर रहा है ये बूढ़ा कब इसका भाषण खलास होगा कब इसको टपकाएंगे कब खाना खाएंगे कब घर जाएंगे चल बराबर तुम बोलो भाई इधर इस गेम बाजार डालू क्या उसका नहीं और तू नहीं रे तू नहीं इसको मैं ही मारूंगा बस क्या भाई अपने भरोसा नहीं क्या भाई नहीं रे अरे आर्डर मिला है कोई हिंदू जो उसको टपकाना मांगता है क्यों अपने को क्या करने का इसे अपने को सुपारी मिला टपकाने का टपका डालने का गांधी नेहरू और मौलाना आजाद के देश में कुछ सियासी लोग आतंक फैला रहे हैं क्या हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे नहीं। तो कल मिलते हैं हम 4 बजे आजाद मैदान पे जय हिंद जय चले चल 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 एक बात याद रखना बोलो चाचा आम जनता ईमानदार है और खुदा कसम हमारे साथ है क्या क्या है बेटा क्या तकलीफ है तुम्हें तकलीफ तू है तकलीफ मैं कुछ समझा नहीं वही समझाने आया चलो चाचा हम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते तू अकेला जाएगा इसके साथ जरा अपना हिसाब है चल वट 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 बेटा माजी तुम चलो मैं आता हूं जी चाचा अरे मुंबई पर राज करता है कांडो क्या कर रहा है राज कर रहा है बुढ़िया अरे मुंह लटका के काय को बैठे ले तू हाँ ले दारू पी नहीं यार रघु
आज मूड नहीं है। तो मूड बनाते हैं, चलना मेरे साथ। किधर? जन्नत में। नहीं यार, आज नहीं। तेरे को नहीं आने का मेरे साथ? नहीं आने का तेरे को? ठीक है, आप अकेला चला जाए। रुक 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 रुक, चल मैं भी आता हूँ, लेकिन मैं ऊपर नहीं आऊंगा। तेरी मर्जी, चलना। सुनो डार्लिंग, सुनो डार्लिंग, क्या रे अक्का, कैसी है रे तू? क्यों आया इधर? सोनू को मिलने का है। जा इधर से, तेरे लिए इधर कोई नहीं है। ए, पोकट पे थोड़ी मांग रहे लो, ये ले रे पैसा। बहुत घमंड है तेरे को तेरे पैसे का। रख तेरा पैसा तेरे पास। इस पैसे से तूने आज तक किसी औरत का दिल खरीदा? सिर्फ जिस्म खरीदा है, जिस्म। और ये जिस्म हम किसको बेचेंगे, किसको नहीं बेचेंगे, ये फैसला करने का हक सिर्फ हमारा है। चल जा, दोबारा इधर मत आना। चल, ये ज्यादा मच करेगी ना तो यही डाल दूंगा तेरे को। मेरे को मारेगा तू? मेरे को मारेगा तू? मार मार, चला गोली। हा? औरत का जिस्म पाने को अब इसका सहारा लेगा तू? मर्दानगी मर गई तेरी, किस किस को मारेगा? ए जूली, इधर आ। शोभा, इधर आ। मार मार सबको। कितनी गोलियां तेरी, हा? फिर क्या करेगा? बंदूक हटा, तेरे कपड़े दरिच फाड़ देंगे, मर्द बनता साला। वो 2 मिनट सोनू से मिलने का। 2 सेकंड मिलने ली दूंगी तुझे। आपका आने दो उसको। मेरा ही बच्चा है ना वो? था, कब का गिरा दिया। क्यों? मैं नहीं चाहती थी इस गटर में एक और पैदाइश हो। ए सुनो, ए सुनो, चल 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 मेरे साथ। नहीं। अरे चलना, ए ए सुनो, शादी बनाएगा मैं तेरे साथ। हा? चल। ए सुनो, अरे काय को फालतू में नाटक करती है, चल चलना। अखंड सौभाग्यवती भाव, क्या नाम है तुम्हारा बेटी? सोनिया। बहुत अच्छा नाम है। और पिता का नाम? पिता का नाम होता चक्रवंती। ऐसा नहीं बोलते बेटी, ऐसा नहीं बोलते। आज से हम तुम्हारे माँ बाप हैं। सोनू। ए चलना, बहुत हो गया ये फिल्मी सीन, चल चलने का है। अच्छा माँ, फिर आऊंगी। एक मिनट। ये सुनो, मैं नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आना। चलती हूँ माँ। तुम्हें क्या हुआ? अरे उसने उसने जैसे शादी की से। तो तुम्हारा बेटा कौन सा डॉक्टर या इंजीनियर है?
उसका नसीब अच्छा है जो सोनिया जैसी लड़की मिली उसे। उसे बहुत अच्छा रखेगी, तुम देख लेना। क्यों भाभी, कैसी लगी भाजी? एकदम झकास। भाभी आप तो एकदम हम लोग की भाषा बोलने लगे हैं। क्यों, बराबर बोला ना? बराबर बोले तो एकदम फिट है ना? रघु चुप, फुल ट्रेनिंग दिया रघु भाई ने। ये बापू, धंधा ठीक है ना? हाँ एकदम झकास भाई। अरे टी शर्ट तो नीचे कर। ए तेरे को बोला लास्ट ऑर्डर है, चल निकल, चल पैसा भरो, निकल चल। बापू ये बापू भाई। चल रघु, देर हो गई, चल। रघु क्या हुआ? पैसा नहीं दिया। पैसा काय का पैसा? तीन स्पेशल भाजी, एक खड़ा भाजी, छह पापड़, एक पुलाव मस्का मार के और 10 पाव एक्स्ट्रा। तुम भी भाभी, ये लोग अपुन से पैसा लेगा क्या? दे दो पैसे, मैं नहीं चाहती कल तुम भी किसी रघु भाई को जन्म दो। क्या रघु भाई, तुम भी भाभी का सुन के पैसा दे रहे? यार ये ले, रखना यार। लेकिन भाभी चाय एकदम झकास बनी है। शुक्रिया। ये लंगूर ये टाइम पे चाय पी रहा है, भरू पैक। मैं यहाँ पीने नहीं आया हूँ, कुछ बोलने आया हूं। तो बोलना, चल बाहर चल। बोल क्या बकने गए? क्यों मारा उस मुस्लिम बुड्ढे को? हाँ हाँ, अपुन क्यों मारता है किसी को? हाँ पैसे के वास्ते। एक खोखा मिला, एक खोखा कितना? यहाँ एक खोखा। आप उनके मिनिस्टर्स के साथ लड़ रहा था, उसने बोला लुटका डाला। क्यों रे साले, तेरा कुछ लगता है क्या वो? अरे उसकी मौत के बाद जो दंगे हुए उसमें 30 मुसलमान और 21 हिंदू मारे गए, इसे तेरे उस भड़वे ने धार्मिक रंग दिया है। अरे तूने एक को नहीं 52 लोगों को मारा है, तेरे को तो 52 करोड़ मिलने चाहिए। ये भाव तेरा ये गणित है ना, अपने दिमाग में नहीं बैठता है। देख उसने अपुन को बोला, अपुन ने ठोक डाला साले को। ये दुनिया भर का टेंशन अपुन क्यों पाले? हाँ अरे एक टाइम था रघु तू बोलने का, वो कहता है इसके लिए नहीं, अपने को जो समझ में आता वही करने का। ओ भाऊ अगर दिमाग होता तो तेरे जैसा इंस्पेक्टर नहीं बनता क्या रघु? छोड़ना डेढ़ बुढ़िया। अरे क्या बोलते उसको? सफेद कॉलर। अबे सफेद नहीं रे, व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर। ये व्हाइट कॉलर लोगों की मचमच सुनेगा ना तो खाने पीने के वांदे हो जाएंगे साला। अरे जीने के तो वांदे नहीं होंगे ना। देख रघु सुधर जा, अब भी वक्त है, वरना बर्बाद हो जाएगा उसकी नाद में। ये जो तुम काम कर रहे हो ना उस मिनिस्टर के लिए, अरे दुनिया की नजरों में वो काम वो मिनिस्टर नहीं कर रहा है, वो तुम कर रहे हो तुम। और जिस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गया ना तो उसका क्या है, वो तो अपने हाथ ऊपर कर लेगा और लटक जाओगे तुम। अरे तुम्हारे तो लग जाएंगे ना रास्ते। अरे हटा, मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। अरे अपने जिगर पे बनाऊ मैं, किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया मेरे को। अरे तेरे पुलिस स्टेशन जाता हूँ ना तो सलाम ठोकते तेरे सामने खड़े होके। ए समझाना इसको, समझाना। अरे गलत फहमी है तेरे को, गलत फहमी। वो तेरे को सलाम नहीं ठोकते, तेरे सिर पे जिसका हाथ है ना उसको सलाम ठोकते ए, जा रहे। और जिस दिन वो हाथ तेरे सिर से निकल गया ना उस दिन तू मेरे को आके ये बात बोलना, समझा? ए भाऊ बहुत सुना है तेरी मचमच, अभी ज्यादा खोपड़ी मत सटका नहीं तो साला इधर ही खाली कर देगा। ए, जानते रहे, जानते। सुन तो लो वो क्या कह रहे हैं। चलो जाओ अंदर, आ जाते सब समझाने के लिए। देख दुनिया के लिए होंगे तुम रघु भाई, लेकिन मेरे लिए तुम वही पुराने चाली के रघु हो। मेरी बात मानो तो मैंने जो कुछ भी कहा है ना उसे जरा ठंडे दिमाग से सोचना। मैं बहुत नाराज हूं तुमसे, बहुत नाराज हूं। अरे शादी किया मेरे को बताया तक नहीं, मैं बेटा कहता हूं तुमको। वो क्या है, वो शादी बहुत जल्दबाजी में हुई ना। बस बस जो हुआ सो ठीक हुआ। शादी के बाद एक रस्म होती है मालूम है, हनीमून, सुना है? कहीं लेके गया था उसको? लेके जाने वाला था लेकिन वाह ये ले स्विट्जरलैंड के 2 टिकट, ये तेरे रहने का बुकिंग, जा घुमा कर लेके बहू को। Thank you.
दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है, हो साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है, हो साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। सपना सजा दिया पहली नजर में ही, तुझे अपना बना लिया है, यही आरज़ू हर घड़ी बैठी रहो मेरे सामने। मेरी दुनिया है कितना प्यारा बच्चा है ना, देखो तो बिल्कुल तेरे पे गया है, सो रहा है। अरे अब तू ही सुधार दे अपने बाप को, हम तो कह कह कर थक गए हैं। समझाना उसे कि अब मेरे खातिर तो ये सब कुछ छोड़ दे, हमारा क्या है, हमारी जिंदगी तो खत्म होने को आई है, लेकिन तेरी जिंदगी की तो शुरुआत है अभी। समझाना तेरे बाप को, समझाएगा ना रे? हाँ रघु, शांता बिल्कुल ठीक बोलती है, आजकल सरकार सुधरने का मौका देती है, अगर तुम दोनों अपने आप को कानून या पुलिस के हवाले कर दो तो थोड़ी सजा काटने के बाद वो तुम्हें रिहा कर देगी। हाँ रघु, और इन सब सालों में हम हैं ना, हम अपनी बहू और पोते को जी जान से संभालेंगे। सोच ले रखो, सजा काटने के बाद
तुम एक नई आजाद जिंदगी जी सकोगे अपने बीवी बच्चों के साथ। सोच ले मेरे बेटे। बाबा, बचपन से मैं ये ट्रेन देख रहा हूं, कभी बीटी से दादर, कभी बीटी से करछत, कभी बीटी से कसार, थाना से बीटी, साली एक ही पटरी पकड़ के चलती है। क्या ये रोड पे चलेगी? क्या ये हवा में उड़ेगी? क्या ये पानी में चलेगी? नहीं बाबा, अपुन ने भी ऐसी कोई पटरी पकड़ी है बाबा। क्या कहते वो ट्रैक, अब पूरी जिंदगी ये ट्रैक, ये पटरी नहीं बदल सकूंगा बाबा, पूरी जिंदगी फिनिश। ऐसे लगता है ना कि एक कान के नीचे खेत। ए रमणीक लाल ने भड़वे देखिए मारता रे मेरे को। रघु ऐसा क्यों हुआ? अरे रघु ऐसा क्यों हुआ? नोट भी देखो ना, डुप्लीकेट आ गया अभी मार्केट में। अरे बैठो बैठो गोपचंदा ने, बैठो। मेरे बाल तो निकाल दिए, अब उनके बालों में उंगलियां घुमा रहे हैं। मैं जानता था तू यहाँ जरूर आएगा। वो परवेज वाली जगह खाली करवाने के लिए कितने जगह घुमा, काम हुआ, मिली जगह? अरे बाबा, वो पारसी तो बड़ा खड़ूस है, जड़ा जड़ा सी बात पे पुलिस और प्रेस में भाग जाता है, उसकी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो रहा। नहीं कर दूं इसका काम, कर दूं। पार्टी फंड के लिए 10 करोड़ देना पड़ेगा। 10 करोड़? झूले लाल साईं, कम लग रहा है क्या? नहीं चलेगा, पर वो पारसी जगह तो खाली कर देगा। नहीं तो क्या सर पे उठा के लेके जाएगा ये घर? अरे अच्छा पैसा दे रहा है वो बिल्डर ले लेने का। अरे क्यों डर रहा है खामखा? अरे करोड़ों का नुकसान हो रहा है ना उसका। अरे तेरे खोपड़ी में ये बात जाती क्यों नहीं रे बाबा? अच्छा, यानी वो खूब चंदानी अभी जबरदस्ती पे उतर आया है। अरे जानता हूँ रे, जानता हूँ तुमको भी और तुम्हारे वो मिनिस्टर को भी। क्या करेगा रे, मैंने ये घर नहीं बेचा तो क्या करेगा? मार डालेगा मुझे। अरे तुझे नहीं मार सकता रे बाबा, नहीं मार सकता मैं। अगर तू लुढ़क जाएगा तो ये पेपर पे साइन कौन करेगा? हाँ अरे नहीं मारूंगा रे तेरे को, नहीं मारूंगा। लेकिन इसे तो मार सकता हूँ मैं। छोटे बाबा तू उसे छोड़, कुछ हो गया तो उसको दे दो ना ये घर उन्हें। कितना साल ये डर लेकर जिएगा हम। आज मैं तुमको एक बात बताती हूँ, अगर तुम अपने जिद पर अड़े रहना चाहते हो तो मैं अपने बेटे के साथ यहाँ नहीं रहूंगी। बैठे रहो ये घर और डर लिए अपने पास। ये लो। अरे मेरे को क्या खाक समझता है, मेरे को दिखा रहा है ये काला कोट, देखना। ठीक है रघु भाई, ये पैसा दे। ये ले तेरा पैसा है, अब तू कहीं अच्छा सा घर ले और प्यार से रहे अपने बीवी बच्चों के साथ। हाँ चले काला कोट। अरे जाओ 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 तुम लोग। अरे आज अपना टाइम खराब है ना, इसलिए साइन किया मैंने। देख लूंगा एक दिन सबको। वो तेरा कुत्ता है ना मिनिस्टर, उसको तो पहले देख लूंगा मैं, और फिर तेरे को, और फिर वो बिल्डर है ना उसको भी। समझता क्या है तू अपने आप को? नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। अरे क्या बोलते रे उसको, सफेद कलर? अरे सफेद नहीं रे, व्हाइट व्हाइट रेड कलर। हाँ ये व्हाइट कॉलर वाले लोग है ना, इनको वो क्या बोलते रे, रेमानी कीड़ा। हाँ, रेमानी कीड़ा बहुत है इन लोग को। अरे आराम से रहने का ना बीवी बच्चे के साथ, लेकिन नहीं नहीं मांगता है वो। हीरो बनने का बहुत कीड़ा है इन लोग को। हाँ अब मैं यहां से जाऊंगा तो तू भागेगा पुलिस के पास, पेपर वाले के पास, मिनिस्टर के पास, बोलेगा कि मैंने जबरदस्ती लिया ना घर तेरा। फिर मेरे को तकलीफ, मेरे मिनिस्टर को तकलीफ। अरे क्यों तकलीफ, क्यों क्यों? अरे अरे ये खेल तुम क्यों खोली? अभी हाथ में एग्रीमेंट किधर आया? चुप चुप, मेरा बॉटल खोला ना, तेरे को क्या? मैं सोच रहा था कि सेलिब्रेट दूसरी फोड़ेंगे। ए तेरे को बता रहा हूँ, करोड़ों में कमाता है, करोड़ों में, लेकिन एक नंबर का कंजूस है। तू डाल ले, डाल डाल। यस सर।
लो आ गया तुम्हारा एग्रीमेंट। बोल रघु बोल क्या हुआ? क्या होएगा, साइन कर दिया बाबा ने। क्या बात है, क्या बात है आबीपी। बोल तेरा पैसा कहाँ पहुंचाओ? अरे पैसे बाद में देख लेंगे, लेकिन इधर एक छोटा सा लोचा हो गया है। अभी क्या लोचा हुआ? अरे मचमच करके दिमाग खराब कर दिया बाबा ने, साले को डाल दिया मैंने। डाल दिया? ये तो बहुत लफड़े वाली बात हो गई यार, बहुत लफड़े वाली। तो एक काम कर, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। मैं नहीं जानती मेरे पति को किसने मार डाला, मैंने उसे देखा नहीं, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डरती हूँ। मुझे मेरे बेटे की फिक्र है, हम तुम्हारे दर्शन के सामने बेबस हैं, और तुम्हें तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं आज कुछ करना चाहती हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ रघु? ए, कुछ नहीं, जाके सो जा। कितनी पियोगे, अब बस भी करो ना। ए, दिमाग मत हड़ा, जाके सो जा। रात के 3 बज चुके हैं, रोहित भी जाग जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें और नहीं पीने। अरे बोला ना, सो जा साली। औरों के लिए काली, पर मेरे लिए एक कड़वा सच। 20 साल पहले तेरे जैसा ही कोई आदमी होगा जिसकी वजह से मुझे बाप का नाम नहीं मिला। माँ ने बहुत प्यार से नाम रखा सोनिया, लेकिन दुनिया के लिए मैं तो एक रांडी थी, एक काली। एक तरफ तुम मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि पत्नी के रूप में पूरी लगन से तुम्हारा घर संभालूं, बिस्तर संभालूं, बच्चे संभालूं, लेकिन दर्जा क्या दोगे पत्नी का? नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक रानी हूं। पागल हो रहा हूं मैं, पागल हो रहा हूं मैं। ए सोनू, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। देख नींद ही नहीं आती मुझे, नींद ही नहीं आती मैं। अगर 2 घंटे की चैन की नींद मिले ना मुझे, सब कुछ लुटा दूंगा मैं, सब कुछ। पागल हो रहा हूं मैं। देख देखिए आंखें, देख थक गई हैं, थक गई है आंखें, जाग जाग कर। पागल हो रहा हूं मैं। देख कितनी चैन से सोया है मेरा बेटा। ए सुनो, मैं भी इसकी तरह सोना चाहता हूं रे। ए, दे सकती मुझे 2 घंटे की नींद? हाँ, रोज कहता है मेरे को, बाबा चौपाटी लेके जाओ ना, बाबा आइसक्रीम खिलाओ ना, बाबा पिक्चर दिखाओ ना। अरे कैसे लेके जाऊं तुझे, मैं खुलेआम नहीं घूम सकता तो तुझे कैसे लेके जाऊं? हाँ, याद आ रहे हो दिन
याद आ रहे वो दिन। मेरा बाप है ना, मेरी उंगली पकड़ के लेके जाता था चौपट घोड़े पे बैठने के लिए। बहुत याद आ रहे वो दिन। लेकिन जब आप किसी मां बाप को दिखते हो ना अपने बच्चे के साथ, तो लगता है कि डाल दू साल को। पागल हो रहा हूं मैं, पागल हो रहा हूं मैं। ये सुनो, ये सुनो, कुछ करना। ये पागल हो रहा हूं मैं, सुनो सुनो, कुछ करना, सुनो सुनो सुनो, कुछ करना। पागल हो रहा हूं मैं, सुनो सुनो सुनो। हाँ तो साढ़े तीन का हो गया, साढ़े चार बजे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हॉस्पिटल, चीफ गेस्ट। हाँ फिर पांच बजे वो बच्चों का कुछ है ना, वो क्या कैंसर वैंसर कुछ है, वो लिख। सर क्या सर, क्या है? मेमो है पार्टी प्रेसिडेंट से। तो पढ़ना, क्या मैं पढूं गंजा? आए दिन अखबारों में ये छप रहा है कि आपके अंडरवर्ल्ड के साथ गहरे संबंध हैं, इसके बारे में अपनी सफाई पेश करें, अन्यथा पार्टी द्वारा कार्रवाई करके आपको मंत्री पद से निकाला जाएगा। बूढ़ा सठिया गया है, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? नहीं सर, सीएम के पीए के साथ मेरी बातचीत हो गई है। उन्होंने कहा अगले महीने जो इलेक्शन की लिस्ट निकल रही है उसमें आपका नाम नहीं होगा। सुना, 25 साल पॉलिटिक्स में झक मार रहा हूं मैं, और ये बोलते टिकट नहीं दूंगा। एक काम कर, मेरा इस्तीफा तैयार कर दे, प्रेस वालों में बांट दे, उनको बोलना 7 दिन के बाद वो कभी भी राज्यपाल को दे सकते हैं। मगर मगर नहीं, अगर अगर 7 दिन के अंदर अंदर रघु को पुलिस के हिरासत में नहीं लिया गया तो जिंदा या समझ गया ना? समझ गया सर। जा समझ गए, तू भी समझ गए। आज पीने की बात मत करो, गणपति के मंदिर में जाने का है, वो साला दाढ़ी अपना तो ब्यावड़ा ही है। जब देखो पीने की बात करता है। और अरे ये देख ईशा, अरे वाह आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गया है? रघु का है, आज रोहित का जन्मदिन है ना, उसे लेकर बापा के मंदिर में गया, हम लोग भी वही जा रहे। मत जाओ। क्यों? एनकाउंटर का ऑर्डर निकला है तुम्हारा, मेरी बात मानो, अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम लोग सब भाग जाओ यहाँ से। ये मंदिर का है? पार्ला में। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, गणराज विद्या सुखदाता, कन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, कोई शरणागत आवे, संत की संपत्ति सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, लुटांगण वल्ली विचरण टोळ्यान पाहिल रूप,
किधर कोई घर भर बनाया जो किसी को मालूम नहीं हो? हाँ, अलीबाग में। तेरे घर वालों को लेके उधर चला जा, वरना तेरी पूछताछ में वो लोग उन लोगों को टॉर्चर करेंगे। जा जा, चले जा। बाबा, हाँ, तुम सबको लेके मेरे वो अलीबाग वाला घर है ना, वहाँ चले जाओ। मैं तेरे घर में पैर नहीं रखूंगी। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ माँ, सबकी जान को खतरा है माँ। इस बार मेरी बात सुन ले माँ, अगली बार तू जो बोलेगी मैं करूंगा माँ। अच्छा, कहाँ है घर तेरा? वो मेरा ड्राइवर है ना, उसको मालूम है बाबा। और तू? मैं आ जाऊंगा माँ, आ जाऊंगा, जाना समझा ना बाबा। लेकिन चल चल। लेकिन वो कब आएगा? शांता, वो आ जाएगा। माँ बाबा का ख्याल रखना, जा। अरे रघु भाई, आप यहाँ क्यों आए हो? पूरे एरिया में पुलिस की फील्डिंग लगी हुई है। आज सुबह ही डेढ़ फुटिया खाना और पकिया को पुलिस उठा के लेके गई है। लेकिन यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी? वो भीड़ हो रघु भाई। अरे बोलना, नहीं तो दूंगा कान पट्टी पे। नहीं रघु भाई, अभी वैसी खबर आई है कि खान और डेढ़ फुटिया को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। तो इधर क्या कर रहा? अंदरा अंदरा, रघु तू यहाँ क्यों आया? तुम्हारा तो ऑर्डर निकला है इनकाउंटर का, मालूम है मुझे। तो फिर भाग जा, मैं भेजता हूँ नेपाल दुबई। मैं नहीं जा सकता क्या? तो फिर जा ना। वो डेढ़ फुटिया को पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया, पुलिस ने, मालूम है मुझे, इसलिए आया हूँ तुम्हारे पास। मेरे पास क्यों? एक बार उसे मिलना है, पवन राव कदम से। उसको कैसे मिलेगा तुम? मैं बताता हूँ। हेलो, मी कांस्टेबल भोसले बोलते, गृह मंत्री बबनराव कदमांचा बंगला, बोला। भोसले सुलेमान बादशाह बोलते है। हाँ साहब, हो दे दो। बुला रहा है। बोल सुलेमान भाई, कैसे याद किया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ कदम साहब, रघु के नाम का एनकाउंटर ऑर्डर निकाल दिया क्या? क्या करे सुलेमान भाई, बहुत परेशानी होने लगी थी उसकी वजह से। अरे एक दो मर्डर करता तो मैं संभाल लेता, ये साला हाथ के बाहर चला गया। वो गरीब पारसी को मारने वाला, मेरी तो कुर्सी चली जाती थी उसकी वजह से। उसका कोई खबर मिला? नहीं, अंडरग्राउंड हो गया है। मिलेगा? जाएगा कहाँ? मैंने तो पूरा मुंबई में नाकाबंदी कर दिया है। मैं ला के दूं तो? अरे सर पे बिठा के नाचूंगा सुलेमान भाई, बोल कीमत बोल। 25 पेटी मिली। बोल कहाँ है वो? आज रात को 11 बजे मेरे घर पे आने वाला है। पहले वो 8 बजे फोन करेगा, मैं हाँ बोलूंगा तो आएगा। पैसा उससे पहले मिल जाएगा तेरे को, बोल। हाँ, मगर मेरा दो शर्त है। 8 बजे पैसे लेकर आप खुद मेरे घर पे आएंगे, और दूसरा, रघु अपने आप को कानून के हवाले कर रहा है, इसलिए उसको अरेस्ट करवाना, नहीं कि एनकाउंटर। मंजूर मंजूर, बबनराव कदम का जुबान है, मंजूर। ठीक है, आ रहा है 8 बजे। कमिश्नर ऑफ पुलिस पी शर्मा का ऑफिस, बोलिए। हाँ, जरा सीपी को फोन दे। कौन बोल रहा है? अबे तेरा बाप बोल रहा हूँ, बबन राव कदम बात करना चाहता है, उसको बोल। कमिश्नर शर्मा हियर, बबन राव कदम बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। हाँ सुन, आज रघु सुलेमान बादशाह के घर पे आने वाला है, मालूम है ना? वो मांडवली करता है वो। हाँ वो कांजो डोंगरी पाड़ा में रहता है वो ना। हाँ वही, उसके घर पे रात को 11 बजे रघु आएगा,
10 बजे से बंदोबस्त लगा दो सिविल ड्रेस में। यस सर, आज रात को रघु पुलिस की हिरासत में होगा। क्यों, जेल का बजट बढ़ाना चाहते हो या गोलियां तेरे बाप के घर से लेके आते हो? वर्दी के गुलाम, उधर के उधर गोली डाल दे अंदर। हाँ, और जैसे कन्फर्म हुआ मर गया उसके छाती पे बैठ के सर में गोली डाल देना मेरी तरफ से। खटिया साला, हिरासत में होगा। एनी प्रॉब्लम सर? बास्टर्ड्स, और पब्लिक कहती है कि पुलिस अत्याचार करती है। जाओ जगह नीचे खड़े रहो। मुंह क्या देखते हैं? बोला तो बोला, जाओ नीचे खड़े रहो। बोला तो बोला, बोला तो बोला, बोला तो बोला। साला सुलेमान, तू मेरा कितना ख्याल रखता है रे बाबा। गिनोगे नहीं? आज तक गिना है क्या? एक पेटी ज्यादा लाया हूं। क्यों? क्योंकि जबान तोड़ने वाला हूं। अरे क्या करो सुलेमान, उसे तो जिंदा नहीं रख सकता ना। अपनी कुर्सी को बचाना है तो उसको तो मारना ही पड़ेगा ना, उसको मारना पड़ेगा ना। क्यों भर, भर? एक मिनट, रघु को मैं तेरे पास लेके आया था, भूल गया क्या? अरे क्या करो सुलेमान, इतना जज्बा होना अच्छा नहीं है। मेरे सर पे बोझ बन गया था वो, क्या करता? बबन राव कदम, तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। अरे आजकल के माहौल में जीना है ना सुलेमान, तो वास्तव में सांप बनकर ही जीना पड़ेगा। क्यों? रघु को मार दिया तो तेरा काम कौन करेगा? ये सब छोड़ देगा तू? अरे क्या बेवकूफ जैसी बातें करता है सुलेमान तू। आजकल अखबारों में एक नाम हमेशा पढ़ने को मिलता है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? अरे अनवर हटेला। लड़का काम का है, मीटिंग फिक्स कर ले। आज लाखों में खेल रहा है, हमारे साथ काम करेगा तो करोड़ों में खेलेगा। क्यों? जैसे कल तक मैं खेलता था। हाँ? बैठे रे फड़वे, नहीं तो यहीं डाल दूंगा तेरे को। बैठ। तू जा रे? क्यों? मुझे ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त करके आया तू? हाँ? गलती 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 हो गई। अरे गलती तो आदमी से ही होती है ना, फरिश्ता थोड़ी हूं मैं। ये साला सुलेमान, सुलेमान भड़काता है तुम्हारे खिलाफ मुझे। कसम से, देख देख, अभी तेरी खबर लेने के लिए 26 लाख रुपए लिए इसने मुझसे। देखो बेटे। बेटा बोला ना तो भेजा टेबल पे उतार दूंगा साले। नहीं बोलूंगा, तू कहते नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। तू एक काम कर, तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, एक महीने के अंदर अंदर तेरे को बाहर निकालूंगा, बच्चे की कसम। विश्वास नहीं होता, ये जो तेरा घोड़ा है ना, ये यहां लगाकर तू मेरे को तेरे साथ ले चल। अरे तेरे 3 करोड़ रुपए भी तो पड़े हैं ना मेरे घर में। झूठा, अरे झूठा है तू, झूठा। जिंदगी भर झूठ बोलकर दूसरों को फंसाते आयला है तू। अरे मैं जानता हूं, तू मेरे को मारेगा, क्योंकि अब तेरा काम करने के लिए तूने अनवर हटेला का बंदोबस्त किया है ना। तेरा काम पूरा हो जाएगा तो तू उसको भी लुढ़का देगा, फिर कोई और। अरे सबसे बड़े गुनहगार तो तुम लोग हो, तुम पैदा करते हो गुंडे, तुम। और दुख की बात यह है कि तेरे कर्म ही नहीं रहे, तेरी साली पूरी आत्मा सड़ेली। अरे तेरे जाने के बाद जो दूसरा आएगा ना साला, वो भी वैसे ही करेगा। नहीं नहीं, तू मुझे मत मार, तू जैसा बोलेगा वैसे मैं करूंगा, मैं तेरे पाए पड़ता हूँ। नहीं, पाँव पड़ेगा तो सर तोड़ दूंगा तेरा साले। नहीं पड़ूंगा, मेरे घर में 12 बच्चे हैं। दूसरों के नहीं थे क्या? उनका क्या? आज अपनी मौत देखकर फट गई तेरे भड़वे।
डेढ़ फुटिया को वापस ला सकता है तू? बोल, ला सकता है? अरे बोल! चल क्यों बात करके वक्त बर्बाद करता है? तू बोल तो मैं मार दूँ। नहीं सुलेमान भाई, इसको तो मैं ही मारूंगा। मार! अरे भाग जल्दी! मुझे मेरी शौकन दे, भाग यहाँ से, वहाँ से नहीं यहाँ से, भाग! यदार्जुनो गतो दूरम् योद्धुम् संशप्तकैस्सह अभिमन्युम् विना नान्यः समर्थो व्यूहभेदने भेदिते चक्रव्यूहे अत एव हि वीर्यवान् दरवाजा खोल रहा हूँ। दरवाजा खोल रहा हूँ। रघु, रघु, क्या हुआ रघु? पुलिस पर डालेगी मेरे को। हिमा, हिमा दरवाजा बंद करना माँ। माँ, पुलिस पर डालेगी मेरे को माँ। अरे बंद करना दरवाजा। अरे साइलेंट नहीं सुनने देना तेरे को। हे बंद करना दरवाजा माँ। डेढ़ बुढ़े को भी मार डाला पुलिस ने माँ। डेढ़ बुढ़े को भी मार दिया माँ। रघु, डेढ़ बुढ़िया भी गया माँ। डेढ़ बुढ़िया मर गया माँ। इधर आ, इधर आ। वो खिड़की देख, वो फ्रैक्चर बढ़िया का लड़का है ना, वो लड़का है ना, वो मार डालेगा मेरे को बाबा। 18 साल का हो गया ना, तीनों फ्रैक्चर भाइयों को मैंने मारा ना बाबा। हेमा माँ, वो खिड़की बंद करना, खिड़की बंद करना माँ। अरे बंद करना खिड़की, बंद करना। अरे बंद करना खिड़की माँ, खिड़की बंद कर। रघु, ये तुम क्या कर रहे हो? सुनो सुनो सुनो, रोहित कहाँ है? वो सो रहा है। सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं उसे। बाबा, हाँ, वो फ्रैक्चर बढ़िया का बेटा है ना, 18 साल का हो गया ना। सुनो, उसकी खिड़की बंद ना, हाँ? अरे बंद कर रहा खिड़की। अरे चला। अरे मेरे बेटे को मार डालेगा बाबा। अरे मेरे बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा बाबा। अरे मर जाएगा। चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं होगा तेरे को। चल मेरे साथ। नहीं माँ, बाहर चल। नहीं माँ, वो पुलिस, वो पुलिस मार डालेगी। मैं हूँ ना तेरे साथ। चल ना माँ, तू है ना माँ, चल। तू जा बाबा, जा। तू है ना माँ। ये सुनो, अच्छी है ना मेरी बीवी माँ, अच्छी है ना ये। सुनो, तू जा ऊपर, जा मेरे बेटे के पास, हाँ? वो 18 साल का हो जाएगा ना, तो उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ? जा, जाओ ना। रघु, बाबा, जाओ ना। हाँ, चल माँ, चल, चल, चल आ जा। तू है ना मेरे पास, तू है ना माँ। सोनू, तुम रोहित के पास जाओ, जाओ। बैठ, यहाँ बैठ बेटा। तू भी बैठना माँ। हाँ, मैं बैठती हूँ, बैठती हूँ। पुलिस पार डालेगी माँ। नहीं बेटा, मैं हूँ। पार डालेगी मेरे को माँ। नहीं, मैं हूँ ना। तू है ना माँ। हाँ, तू है ना माँ। क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया? थोड़ी सी दारू मिलेगी, थोड़ी सी माँ, तीन दिन से नहीं पियो माँ। वो देखना परवेज की बीवी हो माँ, रोज दुख जी मेरे मुंह में। कोई नहीं है बेटे, रहना। वो देखना हुआ, तू वहां मत देख, मुझे देख, मैं हूं ना। देख लो, कोई नहीं है बेटे। माँ, थोड़ी सी कोकेट मिलेगी माँ, महंगी है ना, महंगी है ना। ये रे, ये रे, ये रे माँ, बेच डाल माँ, बेच डाल माँ। 50 तोले की माँ, 50 तोले की माँ, बेच डाल माँ, बेच डाल। ये रे, ये रे, ये रे माँ, ये लेना,
दो पेटी की माँ, दो पेटी की माँ, भेज डालना माँ, भेज डालना माँ, भेज डालना माँ, भेज डालना। ए माँ कुछ नहीं तो थोड़ी सी घासलेट दे देना माँ, थोड़ी सी घासलेट माँ, तेरा बेटा हूँ माँ, दया करना माँ, छुटकारा दिलाना माँ, छुटकारा दिलाना माँ, भेज डाल माँ, माँ भेज डाल। बोलते घोड़ा माँ, क्या घोड़ा दो पेटी का है? अरे दो पेटी का मतलब तू बेचेगी ना, 2,00,000 रुपया पैसा मिलेगा मेरे को, बहुत नशा करूंगा मैं। इसे बोलते हैं मैगजीन, कम गेम नहीं बजाऊंगा माँ, इसको डालते इधर ऐसे, छुटकारा देना माँ, और इसको बोलते हैं ट्रिगर, करना माँ, इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानने का है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास 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 खलास। शांता, मैंने मारा नहीं उसको, मैंने तो मुक्ति दी है अपने बेटे को, सच में मैंने नहीं मारा उसको, वो तो मैंने नहीं मारा उसको, वो तो कब का मर गया था, आज जान निकल गई, मैंने नहीं मारा मेरे बेटे को, सच में मैंने नहीं मारा मेरे बेटे को, वो तो ए बेटी, मैंने नहीं मारा उसको, मैं तो माँ हूं ना उसकी, तू भी तो एक माँ है ना, मैंने नहीं मारा मेरे बेटे को, मैंने नहीं मारा मेरे बेटे को, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, तेरे पापा को यह कहने का हक था कि उस पर जुल्म हुए इसलिए उसने बुरा रास्ता अपनाया, मगर इस तरह के जुल्म तो हजारों लोगों पर होते हैं, पर वो सब लोग बुराई का रास्ता तो नहीं अपनाते, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं पर इतना जानती हूं वास्तव में किसी भी इंसान को यह हक नहीं है कि वो दूसरे इंसान की जान ले ले, माँ हूं इसलिए अपने बेटे से प्यार करती हूं, मगर उसके गुनाहों को माफ नहीं कर सकती, ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि उसके गुनाहों को माफ कर